सभी भाइयों को राम राम जी, सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। आज बहुत शानदार वीडियो लेके आ रहे हैं आप भाइयों के सामने, किस प्रकार से मुर्रा भैंसों को गाड़ी में लोड किया जाता है। 10-10, 12-12 भैंसे एक साथ बड़ी गाड़ी में कैसे आ जाती है। बहुत भाइयों के अपने पास फ़ोन भी आ रहे थे इस बारे में, कमेंट भी आ रहे थे, तो पूरी जानकारी देंगे आप भाइयों को। सबसे पहले दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं सभी भाइयों को जी। जितने भाई साथ में जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज की जो वीडियो कवर कर रहे हैं हम, राज डेयरी फार्म गांव मिंगनी खेड़ा डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा से, तो आज ये गाड़ी जा रही है जी महाराष्ट्र के लिए। बहुत बड़ी गाड़ी है, भाई साहब ने जो मैट है, जो गद्दे हैं वो भी लिए हैं, और पूरी जानकारी देंगे भाई। सारे भाई लास्ट तक ज़रूर बने रहें। तो ये गाड़ी आ गई है जी, लगभग 29.5 फीट की लंबाई है गाड़ी की। नीचे मिट्टी डाल दी गई है गाड़ी में 1 फीट तक है। और साथ में जो हम ये देंगे भाई, जो सामान है, रास्ते के 5 दिन लगते हैं खाने पीने का, जैसे सर की चने की चूरी है और चने का जो छिलका है इसके अंदर, तो ये सारा मिक्स करके रास्ते में जो खाने के लिए देते हैं जी। और लगभग 2 से 2.5 क्विंटल के लगभग ये जाता है जी, 2.5 क्विंटल के लगभग 12 भैंस में। और इसके बाद में ये जो भूसा है, ये देखें जी, जो गाड़ी में लोड कर रहे हैं अभी, इस में भर दिए गए हैं लगभग 2.5 क्विंटल के लगभग ये भूसा है जी। और ये ऊपर रख रहे हैं पीछे गाड़ी के गद्दे रख के ऊपर ये रख रहे हैं जी। अभी ये जो चने की चूरी और जो मिक्स किया था वो अभी रख रहे हैं। और सभी सामान जो ऊपर आ जाता है इसको बांध के पूरी तरह से, भाई ट्रांसपोर्टिंग की पूरी जिम्मेदारी रहती है। और इसमें जो गुड़ है, रास्ते में लगभग 40 kg गुड़ देते हैं ताकि भैंस को थकावट ना आए। और गाड़ी के अंदर सबसे पहले आगे ये रस्सा मार दिया गया भाई, छाती का रस्सा बोलते हैं, ताकि भैंस का जो ब्रेक लगे तो भैंस आगे बच्चे बंधेंगे उन पे न जाएं। तो ये देखें जी, पूरी बड़ी गाड़ी है, सभी भैंसे बिल्कुल आराम से आएगी, दिखाएंगे आप भाइयों को। और साथ में ये कुछ मेडिसिन भी देते हैं भाई, नॉर्मल ट्रीटमेंट, अगर किसी भैंस को कोई दिक्कत हो जाए तो अपने बहुत पुराने बंदे हैं अपने आप ठीक कर लेते हैं जी। गाड़ी में 2 बंदे जाते हैं गाड़ी के साथ में, 10 और 12 भैंस के साथ में जी। तो अभी लोडिंग कर रहे हैं जी, भगवान का नाम लेके सही सलामत भाई साहब के घर तक पशु पहुँचे। तो ये देखें जी, और एक बार फिर से जितने भाई साथ में जुड़ रहे हैं जी, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और ये देखें जी, तो अभी शाम के समय लोडिंग कर रहे हैं, लगभग 6-6:30 बज रहे हैं जी। तो 3 भैंसे सामने आ गई है जी, जो बच्चे हैं 6 भैंसों के वो इनके आगे बांध दिए गए हैं जी। ये देखें जी, ये देखें बच्चे सामने बांध दिए गए हैं, और ये रस्सा है छाती वाला, ये देखें अभी यहाँ पे काम करेगा, ये ब्रेक लगेगा तो गाड़ी आगे नहीं जाएगी भैंस। तो मुर्रा भैंसे हैं जी सारी की सारी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, MP, UP, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, कहीं का भाई हो भाई, 2 से 3 टाइम मिल्किंग करे भैंसों की, जोन से आपको समझ में आए वो लेके जाएं। तो बहुत अच्छी अच्छी जो जानवर है वो जा रहे हैं आज की जो वीडियो में। ये देखें जी, टॉप क्वालिटी की जोटी है, 7 महीने की गाबिन है, पूरी हाइट लेंथ की जोटी है, और एक ही गाबिन है, बाकी बच्चा दी हुई भैंस है सारी जनेली। और ये देखें, बहुत भारी भरकम भैंस है, आज के लोड में लगभग 15-16 लीटर से लेकर 22-23 लीटर तक की भैंसे हैं। और जो रेट है भैंसों के जी, यहाँ पे लगभग 80,000 से लेके 1.25 लाख रुपए तक की भैंस मिल जाती है जी, बढ़िया भैंस, 12 लीटर से लेके 20 लीटर तक की भैंस मिल जाएगी, 2 से 3 टाइम मिल्किंग करे भाई। और जो अभी जा रही है ये गाड़ी महाराष्ट्र में जी, पहला स्टॉपेज रहेगा इसका किशनगढ़ में, दूसरा रतलाम में, तीसरा मालेगांव में, डबल होके भाई साहब के घर पे पहुंच जाएगी। और कुछ जो 2 भैंस इसमें मेंढा है, मिनी भैंस बोल देते हैं, जिसके नीचे सींग होते हैं जी। तो ये देखें जी, तो भाई साहब आए थे अपने फार्म पे, अपनी तसल्ली करके लेके गए हैं भाई साहब, 2 से 3 टाइम मिल्किंग करके फिर लेके गए हैं जी। तो सारी भैंसें देखो जी, एक कम इस तरफ लगभग 9 भैंस आ चुकी है, 3 भैंसों का मुंह ये देखें जी पीछे की तरफ हो जाएगा,
सबसे जो मैन दिक्कत आती है जो लास्ट की तीन भैंस होती है जी, बहुत जो एक्सपीरियंस बंदे हैं अपने बहुत पुराने 15 से 20 सालों से काम कर रहे हैं। देखो जी ये भैंसों का काम बहुत ही कठिन है, लेकिन पूरी जिम्मेदारी के साथ भाई साहब के घर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जी, कोई दिक्कत ना आए भैंस को किसी भी चीज़ की। तो ये देखें जी, अब देखें अभी इन तीनों भैंसों का मुंह पीछे की तरफ किया जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखें वीडियो, ये फट्टे लगा के तीन भैंसों का मुंह पीछे की तरफ कर दिया जाएगा। और ये देखें जी, ये देखें अभी बिल्कुल ध्यान से, ये अभी टेक्निक से घुमाया जाता है जी पीछे वाली भैंस को, ये देखें जी बहुत बढ़िया। ये भाई अपने पास में लगभग 18-19 साल से अपने ही फार्म पे काम कर रहे हैं, वकील नाम है इस बंदे का, बहुत एक्सपीरियंस बंदा है जी। ये देखें जी अपनी वीडियो में लगभग दिखाई देता है ये बंदा, तो ये देखें जी, तो पूरी भैंसें बिल्कुल आराम से आ गई है जी, और पीछे फट्टा फुट्टा लगा के रस्सा बांध दिया जाएगा और ऊपर से तिरपाल रख दिया जाएगा। तो ये देखें जी बहुत जो बढ़िया सिस्टम है जी अपना ट्रांसपोर्टिंग का। किसी भी भाई साहब को अच्छी भैंस लेनी हो तो आप लगातार जुड़ सकते हैं राज डेयरी फार्म से। तो सारी बातें आप भाइयों को बताइए भाई किस तरह से जो अपना ट्रांसपोर्टिंग का जो सिस्टम है। तो एक बार फिर से भाई, महाराष्ट्र, कर्नाटक, हैदराबाद, कोल्हापुर, सांगली, कराड़, इधर नासिक, सोलापुर की तरफ किसी भी भाई साहब को एक दो भैंस लेनी हो तो भी पहुंचा देंगे जी। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट में आप ज़रूर बताएं जी। सभी भाइयों को मेरा राम राम जी, नमस्कार। ये देखें गाड़ी निकल गई है, आज शाम के लगभग 8 बज गए हैं जी, लगभग 1 से 1.5 घंटा लग जाता है गाड़ी लोडिंग करने में। तो अभी रवाना होगी जी अपने फार्म से। कैसी लगी, सभी भाइयों को एक बार फिर से राम राम, नमस्कार जी।